Hello and good morning to all of you. This is Mohammad Kiyash Khan from Department of Civil Engineering, UIT Allahabad, presenting you my next video lecture on stone masonry. Earlier, we have already discussed about the brick masonry. For that, you can go through the link given in the description box. So, we start with the definition of stone masonry. Stone masonry consists of a stone and masonry word. Stone can be defined as a rock that is removed from its natural site and cut or dressed and then finished for using it as a building unit. So the art of building structure with stone as a construction unit may be called as stone masonry. Or in other words, we can also say that when the masonry consists of building unit as a stone bonded together, that may or may not, means with or without mortar, is called as a stone masonry. It is used for the construction of walls, column, lintel, arches, beam, etc. नीचे में आपका दिख नहीं रहा, वो arches, beam लिखा हुआ है, arches, beam, etc. Next slide refers to the general principle. What are the general principles involved during the stone masonry? That is, the first one is stone should be hard, tough and durable. थोड़ा जो भी उस पे एंटिसिपेटेड लोड आने वाले हैं उसको कम से कम रेजिस्ट कर सके. देयर शुड बी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग बी हो. इट शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड फिनिश्ड. थर्ड पॉइंट इज मोर्टार यूज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि जॉइंट है, जॉइंट एक एक लगने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ होती है स्टोन के स्ट्रेंथ के कंपेरेबल लगते हैं, इसलिए मोर्टार शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. ब्रोकन स्टोन और चिप्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उससे क्या होता है कि जॉइंट्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, अब क्रैकिंग वगैरह की वजह से, फीजर्स वगैरह की वजह से वहाँ से टूटने के चांसेस होते हैं. प्रॉपरली वेटेड स्टोन जो है उसको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ जो ड्राई स्टोन है मोर्टार के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मोर्टार जॉइंट को कमज़ोर कर देगा. आफ्टर दिस वी गो फॉर द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टोन एंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट इन सरफेस फिनिश. So the stone masonry is broadly classified as rubble masonry and ashlar masonry. Rubble masonry में पाँच हैं, असल में इसमें uncaused में भी दो होते हैं और caused में भी दो हैं, और दूसरा ashlar masonry है, इसमें छः हैं. तो uncaused rubble masonry it consists of, it is further classified as random rubble uncaused, squared rubble uncaused. Second is the caused random rubble masonry, random rubble caused या caused रैंडम रबल एंड कोज्ड स्क्वायर रबल मेसनरी. तीसरा इसमें है पॉलीगोनल रबल मेसनरी. फोर्थ इज द फ्लिंट रबल मेसनरी एंड फिफ्थ इज द ड्राई रबल मेसनरी. फिफ्थ ड्राई रबल मेसनरी है. इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन एस्लर मेसनरी है. एस्लर मेसनरी जो है काफ़ी फाइन स्टोन होते हैं, रबल वाला बहुत ज़्यादा रफ होता है, बहुत वीकेस्ट होता है, मतलब कॉमनली जो अडॉप्ट करते हैं ऐसे क्वेरी से निकाल के उसको यूज़ कर लिया तो रबल होता है. एस्लर क्या होता है, उसको वेल ड्रेस करते हैं, चिजेल से जो भी छेनी होती है उससे अच्छे से हम फाइनिंग ड्रेसिंग करते हैं, इसलिए एस्लर होता है. थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एस्लर मेसनरी. तो दिस इज़ क्लासिफाइड इन टू एस्लर फाइन, एस्लर रफ टूल्ड मेसनरी, रॉक और क्वेरी फेस्ड मेसनरी, एस्लर कैम्फर्ड, एस्लर ब्लॉक इन कोर्स एंड एस्लर फेसिंग मेसनरी. सो वी गो थ्रू दिस वन बाई वन. रबल मेसनरी के बारे में बता रहा था कि द स्टोन मेसनरी इन विच आइदर अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन आर लेड इज कॉल्ड रबल मेसनरी. तो द जॉइंट ऑफ द मोर्टार आर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जो भी रबल मेसनरी होता है उसकी बात कर रहे हैं हम. द स्ट्रेंथ ऑफ द रबल मेसनरी डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ द मोर्टार यूज, द यूज ऑफ द लॉन्ग थॉरो स्टोन, जो बड़े बड़े एक का एक जो स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसी को थॉरो स्टोन कह रहे हैं. ऐसा करना पड़ता है, हमको बीच बीच में लगाना पड़ता है थॉरो स्टोन, नहीं तो क्या होगा कि जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं आपस में बहुत वीक हो जाएंगे अगर थॉरो स्टोन नहीं लगाएंगे तो दोनों आपस में बाइफर्केट होके अपना स्प्लिट होके गिरने लगेंगे आपकी, क्योंकि जो भी स्टोन मेसनरी होती है थोड़ी थिकर साइड की होती है, थोड़ी उसकी जो थिकनेस होती है वॉल की थिकनेस होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, इस वजह से हमको थॉरो स्टोन लगाना पड़ता है. द प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोर्टार बिटवीन द स्पेसेज ऑफ द स्टोन, साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि मोर्टार जो यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर फिल हो. तो रबल मेसनरी बताया दो तरह से होते हैं, अनकोज्ड रबल मेसनरी और कोज्ड रबल मेसनरी, उसके बाद भी और थे
तरीके, पांच तरीके थे, ड्राई रबल भी है, फ्लिंट भी है। तो अनकोज्ड में दो है। अनकोज्ड क्या है? अनकोज्ड एज द नेम सजेस्ट, अनकोज्ड मतलब कोई फिक्स्ड कोर्स नहीं है, इसका फिक्स लेयर नहीं है। हो सकता है इसकी हाइट ऑफ द लेयर जो है, हाइट ऑफ द कोर्स वेरी हो। तो अनकोज्ड रबल मेसनरी आर द कॉमन टाइप ऑफ मेसनरी, द स्टोन यूज आर ऑफ वाइडली डिफरेंट साइज। दिस इज द रफेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन। इन अनकोज्ड रैंडम रबल मेसनरी द कोर्सेज आर नॉट मेंटेन्ड रेगुलरली। द लार्जेस्ट स्टोन आर लेड फर्स्ट एंड स्पेस बिटवीन देम फिल्ड बाई मीन्स ऑफ स्पॉल और स्नेक। छोटे छोटे पत्थरों से भर के उसको फिलअप करते हैं। यूज इन द कंपाउंड वॉल, गोडाउंस, गैरेजेस, लेबर क्वार्टर, जो लेबर का क्वार्टर वगैरह बनता है, गोडाउन बनता है, गैरेजेस बनते हैं, ये आप अनकोज रबल मेसनरी के बनाते हैं। अनकोज रबल मेटेरियल दो तरह का है, अनकोज रैंडम रबल मेसनरी एंड अनकोज स्क्वायर रबल मेसनरी। रैंडम का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा उसको हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं की है। तो द रैंडम रबल मेसनरी इन विच स्टोन आर लेड विदाउट फॉर्मिंग द कोर्सेज, कोई एक फिक्स कोर्स नहीं बनाते, फिक्स लेयर नहीं बनाते, इट इज़ नोन एज अनकोज रैंडम रबल मेसनरी। द स्टोन यूज इन मेसनरी आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड स्टोन शेप। इसमें जो स्टोन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा वेरिएशन होता है इसमें। जो भी हम जॉइंट रखते हैं 13 mm से ज़्यादा नहीं रखते। और अगर हमारी जो स्टोन की वॉल है लेस देन 6 cm थिकनेस होती है, तो इंटरलॉकिंग के लिए हम बीच में जो है इस तरह से थॉरो स्टोन रखते हैं। अब इसके बाद जो अनकोज्ड रैंडम रबल मेसनरी है, इसमें जो वीक कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, इसको हम मेसन हैमर के थ्रू उसको रिमूव करते हैं। और जनरली बिगर स्टोन ब्लॉक को हम क्वैन की तरह यूज़ करते हैं, और जैम्ब जो होते हैं उसके, दीज आर यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेसनरी। सिंपली अगर कहा जाए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हम किसी स्टोन की नहीं रखते इस अनकोज रैंडम रबल मेसनरी के कोर्स में। इसका प्लान सेक्शन एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अनकोज्ड स्क्वायर रबल मेसनरी एज द नेम सजेस्ट स्क्वायर। तो इसको हम थ्रू द यूज़ ऑफ हैमर, इसकी ड्रेसिंग थोड़ी सी हम स्क्वायर को बनाने के लिए करते हैं। अनकोज्ड है, अनकोज्ड आप एलिवेशन में देख रहे होगे कि कोई एक फिक्स हाइट या फिक्स लेयर, फिक्स थिकनेस नहीं है इसकी। तो जो लेयर है वो आपस किस तरह से है। इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी स्टोन हैविंग स्ट्रेट बेड एंड साइड्स आर यूज। द स्टोन यूज आर यूजली स्क्वायर्ड एंड ब्रॉट टू हैमर ड्रेस्ड और स्ट्रेट कट फिनिश। इन द अनकोज स्क्वायर रबल मेसनरी द डिफरेंट साइज ऑफ स्टोन हैविंग स्ट्रेट एजेस एंड साइड्स आर सो अरेंज्ड ऑन द फेस इन सेवरल इररेगुलर पैटर्न। तो इसका प्लान दिया हुआ है, एलिवेशन दिया है, सेक्शन दिया है। यू कैन थ्रू गो थ्रू द प्लान सेक्शन एलिवेशन, आपको इसे समझ में आ जाएगा। एलिवेशन में आपको अच्छे से दिखा रहा है कि अनकोज्ड है। इसके बाद था कोज रबल मेसनरी, रबल का यूज़ हो रहा है, कोज्ड है। कोज्ड का मतलब हो गया कि एक फिक्स्ड इसकी हाइट होगी, इक्वल हाइट होगी। द रबल मेसनरी इन विच स्टोन आर लेड इन लेयर ऑफ इक्वल हाइट इज कॉल्ड कोर्स रबल मेसनरी। इन दिस स्टोन एम्प्लॉयड यूज आर ऑफ 5 to 20 cm साइजेस। इट इज़ कॉमनली अडॉप्टेड फॉर यूज इन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, लो हाइट वॉल ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग। तो कोर्स में भी दो तरह के हैं, कोर्स रैंडम रबल और कोर्स स्क्वायर रबल। कोर्स रैंडम रबल मेसनरी, इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी द स्टोन यूज आर ऑफ वाइडली डिफरेंट साइजेज, जैसे बताया 5 to 20 cm, 25 cm भी हो सकता है। इन कोर्स रैंडम रबल मेसनरी द मेसनरी वर्क इज कैरीड आउट इन कोर्सेज सच दैट स्टोन इन पर्टिकुलर कोर्स आर ऑफ इक्वल हाइट, एक इक्वल हाइट के होंगे। द स्टोन आर ड्रेस्ड, हैमर ड्रेस्ड करते हैं उसको। इसके बाद इसका प्लान एलिवेशन सेक्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कोर्स इक्वल हाइट तो दी गई है, लेकिन जो स्टोन यूज़ हो रहे हैं, रबल यूज़ हो रहा है, वो रैंडम है। अच्छे से उसकी जो भी उसकी पेरीमीटर थी, पेरीफेरी थी, उसको हमने स्क्वायर फॉर्म बनाने की कोशिश नहीं की, ऐसे यूज़ कर लिया। उसका हाइट केवल एक इक्वल हाइट, कॉलम हाइट इक्वल हाइट को उसको हमने बरकरार रखा है, पर्टिकुलर कोर्स दिया हुआ है। इसके बाद है कोज्ड स्क्वायर रबल। इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी स्टोन हैव स्ट्रेट बेड एंड साइड्स, स्ट्रेट बेड एंड साइड्स आर यूज्ड। इसको थोड़ा सा हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं उसी हैमरिंग के थ्रू, और स्ट्रेट कट फिनिश्ड। इन द कोज स्क्वायर रबल मेसनरी द वर्क इज कैरीड आउट इन कोर्सेज ऑफ वेरिंग डेप्थ। इसमें भी एक इक्वल हाइट, इक्वल कोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। वेरिंग डेप्थ हो सकता है, मतलब अंदर की जो थिकनेस है वो वेरी कर सकती है। आगे साइड का जो फेसिंग होता है, इसको तो हम पूरी तरीके से स्क्वायर ही बनाते हैं, पीछे में हो सकता है थोड़ा बहुत रैंडम हो,
लेकिन आगे का जो फेसिंग है, जो अपीयरेंस दिखेगा आपको, वो आपका स्क्वायर दिखेगा। तो यू कैन गो थ्रू द प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन, उसमें देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है आपका पॉलीगोनल रबल मेसनरी। इन दिस टाइप ऑफ रबल मेसनरी ऑफ द स्टोन स्टोन आर हैमर्ड रेस्ट व्हेन इररेगुलर पॉलीगोनल शेप, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, इररेगुलर पॉलीगोनल शेप का होता है। दस द फेस ज्वाइंट आर सीन रनिंग इन एन इररेगुलर फैशन इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में थोड़ा सा इररेगुलर आपको दिख रहा होगा इसमें। तो रफली ड्रेस करते हैं इररेगुलर पॉलीगोनल शेप के थ्रू, इस तरह से हम इसको लेआउट करते हैं। आगे में जो भी आपके क्वाइन की तरह यूज़ करते हैं, थोड़े से बड़े करते हैं। फ्लिंट रबल मेसनरी, फ्लिंट एक तरह का स्टोन है। फ्लिंट स्टोन वेरी इन थिकनेस फ्रॉम 8 to 15 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी 15 to 30 सेंटीमीटर होती है। दीज आर सो अरेंज्ड इन द फेसिंग फॉर्म ऑफ कोर्स्ड और अनकोर्स्ड मेसनरी। इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी मेसनरी इज यूज इन एरिया वेयर द फ्लिंट स्टोन, जहाँ पर फ्लिंट स्टोन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। फ्लिंट असल में इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये ब्रिटल होता है और आसानी से टूट जाता है। तो फ्लिंट रबल मेसनरी फ्लिंट स्टोन यूज़ कर, इसलिए इसका नाम फ्लिंट रबल मेसनरी है। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 8 से 15 सेंटीमीटर का होता है, लेंथ 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है। ये भी आपका कोर्स में भी हो सकता है, अनकोर्स्ड भी हो सकता है, कोर्स्ड फ्लिंट और अनकोर्स्ड फ्लिंट। इसके बाद आता है आपका ड्राई रबल मेसनरी। ड्राई रबल मेसनरी नेम ही बता रहा है कि ये जो है इसमें मोर्टार यूज़ नहीं होता। दीज आर द स्टोन मेसनरी इन विच वी आर यूजिंग इट विदाउट यूजिंग एनी मोर्टार, इट इज़ कॉल्ड एज ड्राई रबल मेसनरी। कभी कभी इसको हम ड्राई स्टोन भी कहते हैं। इट इज़ एन ऑर्डिनरी मेसनरी एंड इज रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स ऑफ हाइट ऑफ नॉट मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज़्यादा ऊंची की दीवार हम इसको नहीं बनाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द रबल मेसनरी। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट एस्लर मेसनरी। एस्लर मेसनरी फाइनली ड्रेस स्टोन होते हैं एंड आर लेड इन सीमेंट और लाइम मोर्टार एंड इज नोन एज एस्लर मेसनरी। इन दिस मेसनरी ऑल द जॉइंट्स आर रेगुलर थिन एंड आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। दिस टाइप ऑफ मेसनरी इज कॉस्टली इन कंस्ट्रक्शन एट इट इन्वॉल्व्स हैवी कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन, ड्रेसिंग करने में ही इसका कॉस्ट लग रहा है, इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। इट इज़ कॉमनली अडॉप्टेड फॉर आर्किटेक्चर बिल्डिंग, पायर्स वगैरह बनाते हैं, एबट्समेंट बनाते हैं। तो ये और इसमें जो जॉइंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, बहुत थिन जॉइंट देते हैं। एस्लर मेसनरी में अब पहला है एस्लर फाइन मेसनरी। ईच स्टोन इज कट इन टू यूनिफॉर्म शेप एंड साइज विद ऑल साइड रेक्टेंगुलर सो दैट स्टोन गिव परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट विद एडजॉइनिंग स्टोन। हाइट जो रखते हैं कोर्स की वो 30 सेंटीमीटर से कम रखते हैं। इसमें कभी कभी हम अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर की तरह यूज़ करते हैं, जो स्टोन होता है उसको हम कभी अल्टरनेट हेडर अल्टरनेट स्ट्रेचर इस तरह से लगाते हैं, एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर इस तरह से लगाते हैं। इसके बाद आता है आपका रफ टूल मेसनरी। ऐसा रफ टूल मेसनरी, रफ टूल का मतलब हमने केवल इसका जो पेरीफेरी है पेरीमीटर है उसको हमने चीजल के थ्रू जो छेनी होती है उसके थ्रू ड्रेसिंग की, फेसिंग डायरेक्शन पे जो है उसको हमने ड्रेसिंग की है। तो स्ट्रिप अबाउट 25 mm वाइड मेड बाय मींस ऑफ चीजल इज प्रोवाइडेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द रफ ड्रेस्ड स्पेस ऑफ ईच स्टोन, थिकनेस ऑफ द जॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 6 mm। ऐसा रफ टूल मेसनरी कहते हैं इसको, आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं इसको। तीसरा आपका रॉक एंड क्वेरी फेस्ड। रॉक एंड क्वेरी फेस्ड मतलब स्ट्रिप इज प्रोवाइडेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ एवरी स्टोन, रॉक की तरह अपीयरेंस दिख रहा है इसका, बट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फेस इज लेफ्ट सेम एज इट रिसीव फ्रॉम द क्वेरी। जैसे क्वेरी से निकाला मतलब पत्थर को जैसे तोड़ करके क्वेरिंग करके निकाला गया, उसकी जो बस आउटर पेरीमीटर था उसको हमने स्ट्रिपिंग की और इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। प्रोजेक्शन ऑन द एक्सपोज फेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 75 mm, जो भी प्रोजेक्शन है एक्सपोज फेस पे उसको हम 75 mm तक ही रखते हैं। थिकनेस जो है इसकी हम जनरली 10 mm रखते हैं। तो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ रॉक एंड क्वेरी फेस्ड। आफ्टर दैट एज लाइक कैम्फर्ड मेसनरी। कैम्फरिंग का मतलब होता है क्या कि चारों जो भी कॉर्नर है रेक्टेंगुलर कॉर्नर है उसको हम 45 डिग्री पे चीजल के थ्रू 25 mm के डेप्थ तक काट दें, 45 डिग्री। तो जो आपको फिगर दिख रहा है इसके थ्रू इसको इसके थ्रू क्लियर हो रहा होगा कि जो भी आपका फेसिंग साइड है उसको हमने 45 डिग्री पे, जो भी आउटर पेरीमीटर है 45 डिग्री पे चीजल के थ्रू 25 mm के डेप्थ तक हमने इस तरह से कैम्फरिंग कर दी, इसी को कैम्फरिंग कहते हैं। आफ्टर दैट एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी।
दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रबल मेसनरी एंड एस्लर मेसनरी. रबल और एस्लर का कॉम्बिनेशन है. इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी द फेस वर्क इज प्रोवाइडेड विद रफ टूल और हैमर ड्रेस्ड स्टोन एंड बैकिंग ऑफ द वॉल मे बी मेड इन रबल मेसनरी. मतलब आगे का जो फेसिंग अपेयरेंस है उसको हम चाहते हैं कि वो एस्लर की तरह दिखे, पीछे साइड में आपका रबल मेसनरी हो सकता है. तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है रबल मेसनरी का और स्टोन मेसनरी का. लास्ट है आपका एस्लर फेसिंग मेसनरी. इफ़ द बैकिंग इज ऑफ रबल मेसनरी इट इज़ कॉल्ड रबल एस्लर एंड इफ़ द बैकिंग इज ऑफ ब्रिक मेसनरी इट इज़ नेम ब्रिक एस्लर. एस्लर फेसिंग मेसनरी का मतलब हो गया कि जो फेस डायरेक्शन है इसको हम एस्लर एस्लर स्टोन यूज़ कर रहे हैं, एस्लर रबल स्टोन यूज़ कर रहे हैं. जो बैकिंग है इसमें अभी तो रबल लिखा है, तो बैकिंग में भी रबल, बैकिंग में भी कॉन्क्रीट ब्लॉक, बैकिंग में भी ब्रिक, तीनों हो सकते हैं. तो फिगर में जैसे दिख रहा होगा तो आगे के साइड में आपका एस्लर एस्लर रबल स्टोन लगाते हैं, बैक साइड आपका रबल हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, कॉन्क्रीट भी हो सकता है. तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्लर एंड रबल और ब्रिक और कॉन्क्रीट. एस्लर विद ब्रिक, एस्लर विद कॉन्क्रीट और एस्लर विद रबल. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोन मेसनरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर एनी क्वेरी और सजेशन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.